नमस्कार, आप देख रहे इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। लंदन के मेफेयर में जन्मी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस लेते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। एलिजाबेथ ने 7 दशक से भी लंबा राज किया, जिससे वो ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी बनी। आपको बता दें कि ब्रिटेन में अभी भी राजतंत्र चलता है, इसीलिए राज परिवार की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब आपको महारानी एलिजाबेथ से जुड़ी कुछ रोचक तत्वों के बारे में बताते हैं कि क्यों उनकी मृत्यु से पूरा बर्मिंघम शोक में डूब गया है। इनके बाद किंग चार्ल्स ब्रिटेन के अगले किंग होंगे और उनकी पत्नी कैमिला क्वीन होंगी। इसकी याद आपको बता दें कि औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है, बस आधिकारिक घोषणा करना बाकी है। और इनके शासनकाल में, यानी कि एलिजाबेथ का शासनकाल इतना अलग क्यों है, ब्रिटेन के अलावा और कितने देशों की रानी रही एलिजाबेथ, आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। आपको बता दें कि 1983 से 1987 का वो दौर था जब महारानी एलिजाबेथ 18 देशों की रानी थी, जिसमें फिजी, मॉरिसस, बारबाडोस और जो आपको बता दें कि इन सभी का नाम शामिल है, ये सभी ब्रिटेन के कोलोनियल थे। जिसके बाद 1987 में फिजी, 1992 में मॉरिशस और 2021 में बारबाडोस स्वतंत्र होकर गणराज्य बन गया। इतना ही नहीं, उन्होंने बरमूडा, फॉकलैंड द्वीप समूह, जिब्राल्टर सहित देशों पर भी शासन किया। एलिजाबेथ द्वितीय 6 फरवरी 1952 को अपने पिता किंग जॉर्ज सष्टम की मृत्यु के बाद महारानी बनी। इसके आपको बता दें कि इनके शासनकाल में ब्रिटेन के 14 प्रधानमंत्रियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया। लिज ट्रस इस कड़ी में 15वीं प्रधानमंत्री हैं। वहीं अमेरिका के 13 राष्ट्रपतियों ने और भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया। वहीं आपको बता दें कि महारानी एलिजाबेथ ने राष्ट्रमंडल में 13 देशों की, आपको माफ करिएगा, 53 देशों की अगुवाई की। 1926 से 1922 तक 7 दशक का उनका शासनकाल रहा। महारानी 14 देशों का प्रतीकात्मक चिन्ह रही। इसी के साथ ही एलिजाबेथ दुनिया की सबसे वृद्ध शासक रही। वहीं अपने पूरे कार्यकाल के दौरान महारानी 3 बार भारत यात्रा पर भी आ चुकी हैं, जिसमें 1961, 1983 और 1997 वो तारीख है जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत दौरे पर आई थी। तो आपने देखा कि महारानी एलिजाबेथ का शासनकाल कितना विशाल रहा और कितना शानदार रहा, इसीलिए लोग आज उनके जाने के कारण गमगीन हैं और उनको अंतिम विदाई, आपको बता दें कि अंतिम विदाई विश्व के हर देश से दी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।